जिनका प्रयास जारी है। पुलिस थाना खेसखाल जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, ये आज टीआई साहब ने कुछ जानकारी दिया है, उसके लिए ये थाना पुलिस थाना खेसखाल का जो बैठ लिया गया है थाना प्रभारी का, ये बहुत अहम जानकारी है, बहुत सनसनी है। 3 महीने के बाद जो है गुमशुदा लड़की लड़के लोगों को पकड़ के लाया तमिलनाडु से, उसका जानकारी टीआई मंडावी साहब मेरे को दिया है, उसी के संबंध में जानकारी है। बताइए अपना परिचय भर दीजिए सर। मैं राजेंद्र मंडावी, निरीक्षक थाना प्रभारी केसकाल जी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सर शशिधरन, ब्यूरो चीफ बस्तर संभाग। आपसे कल का जो लड़की लड़का वाला मामला को लेकर कुछ जानकारी लेने के लिए हमारे जनहित में दर्शकों को बताइए, आपने क्या हुआ, आपका थाना अंतर्गत में क्या उपलब्धि मिला है उसका बारे में बताइए। ये थाना केसकाल क्षेत्र में उतारी कुंभी गांव के दो नाबालिग बालिकाएं गुम होने का रिपोर्ट 18/4/2022 को थाना केसकाल में किया गया था, जिसके आधार पर उसकी विवेचना की जा रही थी और विवेचना में कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर पता चला। उन मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन के आधार पर उनका सूचना तमिलनाडु में होना पता चला। फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार यहाँ से थाना से एक टीम बनाया गया, जिसमें एएसआई नेताम और एएसआई देवांगन और थाने का अन्य 3 स्टाफ का टीम बना करके यहाँ से रवाना किया गया था। और तमिलनाडु में थाना मैनूर मने कुम कोयल ईटा भट्टा में उन लोग काम करते हुए पाए गए और उनके साथ में दो नाबालिग लड़के भी थे, उनको भी साथ लाया गया। और आरोपी नाबालिग होने से उनको मामले में निरुद्ध करके बाल न्यायालय कोंडागांव में पेश किया गया जी। वो लड़की लोगों को उनका परिवार और उनको सौंप दिया सर। हाँ, लड़कियों को इस मामले में विवेचना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करके उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। लड़का लड़के लोग कुछ और कुछ जानकारी दिए क्या सर, उनका साथ में कहीं गलत तो नहीं हुआ है ऐसे टाइप का? नहीं, लड़कियों ने बताया कि उनके साथ गलत काम हुआ था जी, जिसके आधार पर वो नाबालिग जो विधि से संघर्ष बालक हैं उनके खिलाफ में आवश्यक कार्रवाई करके किशोर न्यायालय कोंडागांव में पेश किया। उनको एमएलसी वाला डॉक्टर से किया कराने के बाद जी पुणे पर जी 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 पर कार्रवाई की। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शशिधरन ब्यूरो चीफ बस्तर संभाग, आपसे जो जानकारी मिला है दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।